कि जब जाम की सबसे बड़ी समस्या इस नजफगढ़ में हुआ करती थी, उस समय पे जनशक्ति एकता संघ ने दिन रात संघर्ष किया और उसको वन वे कराने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। तो मुझे नहीं लगता कि शायद किसी को ना पता हो इन चीज़ों का। हनुमान मंदिर है तुरा मंडी पे, जब मेट्रो का काम चला था तो उसमें क्रैक्स आ गए थे, उसको लेकर के किसी का ध्यान नहीं था, वहाँ पे मिस हैपनिंग हो सकती थी। जनशक्ति एकता संघ अध्यक्ष अमित गौड़ जी ने उस चीज़ को बड़े ही, मैं कहता हूँ, हाई प्रायोरिटी पे लिया। वहाँ पे 3 दिन का अनशन किया इन्होंने और प्रशासन को मजबूर किया कि उसकी रिपेयरिंग कराए। इस तरीके के अनेकों मुद्दा हैं। इको पार्क को ले लो, वहाँ तो कोई इनका वार्ड नहीं आता, कुछ नहीं आता, करोड़ों की लागत लगी थी वहाँ पे, तो कॉमनवेल्थ के गेम के टाइम में 2010 में, उस समय पर अमित भाई ने देखा जब पब्लिक का पैसा ही वहाँ पर लगा हुआ है और वो बंद पड़े हुए हैं, क्यों? तो अमित भाई ने वहाँ भी संघर्ष किया, डिपार्टमेंटों में गए, उन लोगों से बात की और आज आप देखेंगे तो पब्लिक के लिए वो ओपन है। ठीक, पॉलिटिशियन की बुराई नहीं करता। जब कोविड का टाइम आया था 8 मार्च 2019 को, मैंने एक पदयात्रा निकाली थी DCP से परमिशन लेकर के, जागरूकता रैली, उस दिन से और पीक पे भी जब आया, मालिक ना करे ऐसा कभी दोबारा टाइम आए। पब्लिक नेताओं को चुनती है अपने बुरे वक्त के लिए, उससे बुरा वक्त मुझे नहीं लगता कभी जीवन में किसी पे आएगा। उस समय पे जितने भी सिटिंग काउंसलर थे या MLA थे, सबके ऑफिस के ताले लगे हुए थे। मैं इस चीज़ को दावे के साथ में डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, कोई मेरे सामने बैठ करके इस चीज़ को कह दे कि हमारे ताले नहीं लगे हुए थे। तो पब्लिक किस लिए चुनती है? इस दिन के लिए चुनती है ना कि बुरे वक्त में उनके काम है, इस दिन के लिए नहीं चुनती कि उस टाइम पे आप अपने ताले लगा करके और घर में बैठ जाओ। टाइम से ना यहाँ के 5 साल हो गए सर, यहाँ की पब्लिक दुखी है सर, आज गली बनती है कल तोड़ देते हैं। जैसे सर अभी ये जल्दी से जल्दी अभी ये शड्डवास मेडिकल वाली गली बनी थी सर, ये बनते ही ना 3 दिन बाद तोड़ दी। तो सर अगर अभी ये काम करने लग रहे 12 सालों से सर, पर क्या कहते हैं, पावर भी होनी चाहिए सर, अगर राज बिन पावर के इतने काम नहीं हो सकते सर, पावर होनी जरूरी है। रोशनपुरा वार्ड 44S में जनशक्ति एकता संघ अमित गौड़ साक्षी गौड़ द्वारा 12 वर्ष पहले एक मुहिम चलाई गई थी अपने क्षेत्र के सुधार के लिए, अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए, और आज वो मुहिम 12 साल बाद विभिन्न समस्याओं को उठाते हुए आज चुनाव में खड़े हुए हैं। चुनाव इसलिए, जैसा कि अमित गौड़ और साक्षी गौड़ अक्सर यह कहते नजर आए हैं कि अब राजनीति में आकर के ही बदलाव संभव है। एक बात खास तौर से यहाँ 44S में देखने को मिली है, वो ये है कि विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, NGOs या जो अन्य संगठन हैं जो अपने अपने स्तर पर कार्य करते नजर आए हैं, वो अमित गौड़ के साथ नजर आए हैं, साक्षी गौड़ के साथ नजर आए हैं। ये एक बड़ा मैसेज है, ये एक बड़ा उदाहरण है तमाम उन राजनीतिक दलों के लिए, तमाम उन पार्टियों के लिए और तमाम प्रत्याशियों के लिए, किस तरह से समाज के संगठन से जुड़ करके, समाज की संस्थाओं से जुड़ करके, एक साथ बैठ करके अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। साक्षी गौड़ और अमित गौड़ का सामाजिक संस्थाओं से इतना लगाव क्यों है, इन सब सवालों के भी जवाब जानेंगे। हमारे साथ मानव कल्याण संघ से और अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए युवा साथी हैं, उनसे पूछेंगे। आज चुनाव का समय है, बेशक चुनाव का समय है, लेकिन यह 5 वर्ष में कुछ दिनों के लिए ही आता है। 12 साल से यह संघर्ष चला आ रहा है जनशक्ति एकता संघ के बैनर तले। क्यों सामाजिक संस्थाओं का जुड़ाव केवल अमित गौड़ की तरफ है? क्यों जो तमाम NGOs हैं, संस्थाएं हैं, वो केवल अमित गौड़ के साथ नजर आते हैं? सबसे पहले तो जय हिंद, मैं बताना चाहूँगा कि जो सामाजिक संस्थाएँ, सामाजिक का मतलब वो समाज के लिए जीती हैं। तो मेरा खुद का अपना अनुभव है, मैं जितने टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ 12 साल से, अमित भाई को बहुत करीब से मैं जानता हूँ इस चीज़ को लेकर के, कि हमारी जितनी भी सामाजिक संस्थाएं, मेरी खुद की मानव कल्याण सेवा समिति जो हमेशा समाज के लिए जी ना मनना सब कुछ समाज के साथ रहा है, तो सबसे अहम चीज़ है कि एक तो एजुकेशन सबसे बड़ा मुद्दा जो मैंने देखा है, क्योंकि क्वालिटी है उनके अंदर, एजुकेटेड हैं वो। दूसरा नंबर की चीज़ है कि पिछले 12 वर्षों से जिस काम को जो हमारे पॉलिटिशियन, जिनका हक है उस काम को कराना, वो नहीं करा पाए, और उन मुद्दों को जनशक्ति एकता संघ यानी कि एकता की ताकत उन्होंने वहाँ पे दिखाई है और उन कार्यों को उन्होंने करके दिखाया है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता किसी को ना पता हो इस विषय में, कि जब जाम की सबसे बड़ी समस्या इस नजफगढ़ में हुआ करती थी, उस समय पर जनशक्ति एकता संघ ने दिन रात संघर्ष किया और उसको वन वे कराने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। तो मुझे नहीं लगता कि शायद किसी को ना पता हो इन चीज़ों का। हनुमान मंदिर है तुरा मंडी पे, जब मेट्रो का काम चला था तो उसमें क्रैक्स आ गए थे, उसको लेकर के किसी का ध्यान नहीं था, वहाँ पे मिस हैपनिंग हो सकती थी। जनशक्ति एकता संघ अध्यक्ष अमित गौड़ जी ने उस चीज़ को बड़े ही, मैं कहता हूँ, हाई प्रायोरिटी पे लिया। वहाँ पे 3 दिन का अनशन किया इन्होंने और प्रशासन को मजबूर किया कि उसकी रिपेयरिंग कराए। इस तरीके के अनेकों मुद्दा हैं। इको पार्क को ले लो, वहाँ तो कोई इनका वार्ड नहीं आता, कुछ नहीं आता, करोड़ों की लागत लगी थी वहाँ पे, तो कॉमनवेल्थ के गेम के टाइम में 2010 में, उस समय पे अमित भाई ने देखा जब पब्लिक का पैसा ही वहाँ पे लगा हुआ है और वो बंद पड़े हुए हैं, क्यों? तो अमित भाई ने वहाँ भी संघर्ष किया, डिपार्टमेंटों में गए, उन लोगों से बात की और आज आप देखेंगे तो पब्लिक के लिए वो ओपन है।
तो इस तरीके के अनेकों मुद्दे मैं जितने बताऊंगा तो शायद मुझे लगता है कि टाइम कम पड़ जाएगा। इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आकर्षित करती हैं। आज मैं ही नहीं, हमारे साथ खुद मेरे साथ 300 NGO मिलकर के दिल्ली NCR की काम करती हैं। हम सब लोग अमित भाई के साथ हैं, क्योंकि क्या है कि एक तो वो एजुकेटेड है, एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो बदलाव ला सकता है, मेरा मानना है इस चीज़ को लेकर के। और वो एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, वो भी हैं, साक्षी गौड़ जी भी हैं। मुझे नहीं लगता कि इस रोशनपुरा वार्ड में यदि मैं सारे प्रत्याशियों को देखूं तो उनके लिए क्या है ना कि उनकी एक मजबूरी बन गई है कि घर में किसी का फोटो लगाना बैनर पे, लेकिन अमित गौड़ की मजबूरी नहीं है, क्योंकि साक्षी जी को हमेशा मैंने उनके कंधे से कंधे मिला करके और साथ में चलते हुए देखा है। साक्षी जी पढ़ी लिखी हैं, MA BEd हैं, टीचर हैं, टीचर से अच्छा अनुभव मुझे नहीं लगता, मुझे भी आपको भी, हम सबको टीचर ने पढ़ाया है, वही हमें अनुभव देते हैं। तो उनका जो एक तो एजुकेशन और एक उनका सोशल वर्क, दोनों को मिलाकर के देखें तो, क्योंकि उनको समाज के सुख दुख का भी पता है, क्योंकि वो हमेशा समाज के बीच में रहे। मैं भाई साहब आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, मैं वैसे किसी पॉलिटिशियन की बुराई नहीं करता, जब कोविड का टाइम आया था 8 मार्च 2019 को मैंने एक पदयात्रा निकाली थी DCP से परमिशन लेकर के, जागरूकता रैली, उस दिन से और पीक पे भी जब आया, मालिक न करे ऐसा कभी दोबारा टाइम आए। पब्लिक नेताओं को चुनती है अपने बुरे वक्त के लिए, उससे बुरा वक्त मुझे नहीं लगता कभी जीवन में किसी पे आएगा। उस समय पे जितने भी सिटिंग काउंसलर थे या MLA थे, सबके ऑफिस के ताले लगे हुए थे। मैं इस चीज़ को दावे के साथ में डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, कोई मेरे सामने बैठ करके इस चीज़ को कह दे कि हमारे ताले नहीं लगे हुए थे। तो पब्लिक किस लिए चुनती है? इस दिन के लिए चुनती है ना कि बुरे वक्त में उनके काम है, इस दिन के लिए नहीं चुनती कि उस टाइम पर आप अपने ताले लगा करके और घर में बैठ जाओ। तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख उस दिन हुआ था, और उस दिन मैंने कहा था अमित भाई से कि जितना हम सब लोगों पे हो पाएगा मिलकर के हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आप उन कामों को जब निस्वार्थ कर सकते हो, आज तक स्वार्थ से कभी कोई काम नहीं किया, जहाँ भी देखा है मैंने अमित भाई को हमेशा निस्वार्थ, और पूरा ग्रुप ही वेल एजुकेटेड ग्रुप है। तो इन चीज़ों को लेकर के खुद मैं और हमारी जितनी भी संस्था है, मेरे टच की जितनी भी हैं, सब अमित भाई के साथ में कंधे से कंधा मिला करके हम इनका साथ दे रहे हैं, और इतिहास बदला जा सकता है। लोग तो जन क्या क्या कहते हैं, चर्चा राजनीति कह तो करते रहते हैं कि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं। लोग तो ये भी कहते थे कि जो यहाँ पे एक बार MLA बन गया दोबारा कभी बना ही नहीं, इतिहास तो वो भी चेंज हुआ है। तो ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ कि यदि जहाँ जहाँ जिस घर घर में हम लोगों ने सेवा की है, यदि आपने मेरी बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, तो मैं उस टाइम पर किसी पार्टी को, किसी चिन्ह को, किसी चीज़ को नहीं देखूंगा। ये यदि मेरे अंदर इंसानियत है तो स्वाभाविक सी बात है मैं उस इंसानियत को देखूंगा और मैं आपका साथ दूंगा। आज सबसे बड़ा यदि इनका प्लस पॉइंट है अमित भाई का, तो वो यही है कि इन्होंने घर घर में, इनको खुद नहीं पता कि इन्होंने कितने लोगों की मदद की है, वो एक इनके साथ में ना मुझे लगता है कि बहुत बड़े रूप में इनका कामयाबी का एक दिन कारण बन करके उभरेगी। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं भी शुभकामनाएं दूंगा और मेरा पूरा साथ भी रहेगा अमित भाई के लिए, कि हम हर दिन रात दिन सब एक कर देंगे इनके लिए, जितने भी युवा साथी हैं सब एक कर देंगे, लेकिन इनको जीत दिला करके रहेंगे। हमें कोई मैटर नहीं करता, कोई पार्टी, कोई चिन्ह, कोई मैटर नहीं करता, हमें पता है हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, चलिए जीत रहे हैं। आपकी क्या राय है, सामाजिक संस्थाओं से शुरू हुआ ये सफर अब राजनीति की तरफ बढ़ रहा है, कितने कारगर कदम हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा सर, जनशक्ति एकता संघ से मैं पिछले 12 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, और इनकी विचारधारा, इनके विचार मुझे काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो अगर वो उनको एक प्रशासन की तरफ से सहयोग मिलता है और जनता का प्यार और समर्थन से वो इस आगामी निगम पार्षद के चुनावों में जीतते हैं, तो आप देखिएगा कि अपने कार्यकाल में वो काफ़ी अच्छे कार्य जनता के साथ, जनता से जुड़ कर करेंगे। साक्षी गौड़ की उम्मीदवारी को आप कितना उपयुक्त मानते हैं, किस संदर्भ में देखते हैं? सर मैं पूरा करता हूँ इसको सपोर्ट, क्योंकि सर काफ़ी टाइम से है ना यहाँ के, 5 साल हो गए सर, यहाँ की पब्लिक दुखी है सर, आज गली बनती है कल तोड़ देते हैं। जैसे सर अभी ये जल्दी से जल्दी अभी ये सर डबास मेडिकल वाली गली बनी थी सर, ये बनते ही ना 3 दिन बाद तोड़ दी। तो सर अगर अभी ये काम करने लग रहे 12 सालों से सर, पर क्या कहते हैं पावर भी होनी चाहिए सर, अगर राज बिन पावर के इतने काम नहीं हो सकते सर, पावर होनी ज़रूरी है।